ब्लॉग। तो आज है बहन का हल्दी और मैं आप लोगों को बताई थी कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। तो अभी जो है एकदम रेडी हो गई थी, ये मैं जामदानी पहनी हुई थी येलो कलर का। तो अभी हम लोग नानी के घर से निकलेंगे और नानी के घर से जो है जो मामा के घर में शादी है 30 मिनट का ही दूरी है। तो चलिए अभी सब रेडी हो गए हैं, पैकिंग वगैरह भी हो गया था। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोग देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग जो है एंड तक हमारे साथ ही रहिए। हे गाइस, तो ये है मेरा आउटफिट। मैं एक जामदानी पहनी थी और थोड़ा सा ज्वेलरी उसके साथ। तो अभी सब पैकिंग वगैरह भी हो गया था। तो देखिए ये है पूरा लुक मेरा, कैसी लग रही हो कमेंट करके बताना। और अभी यहाँ पर जो है सब कुछ बैग अंदर रख रहा था और नानी भी हम लोगों के साथ जा रहे थे और बेटू भी रेडी हो गया था। तो हम सब लोग जा रहे हैं शादी में, सब लोग रेडी हो गए हैं। तो पीछे जो है मेरे नानी, छोटी नानी, मेरे मम्मी, हाय बहन, सब बैठे हैं। बेबी हाय। और यहाँ पर जो है बोधदेव ड्राइव कर रहा है। हम लोग जो है शादी में पहुंच गए थे और यह है शादी का मंडप। और लड़कों वाले के घर से जो है तत्व वगैरह आ गया था और थोड़ी देर में जो है हल्दी का रस्म स्टार्ट होगा और उसके पहले थोड़ा सा पूजा वगैरह करना होता है। तो वही अभी हो रहा था और वहाँ पर जो है मेरे मामा बैठा था। और ये देखिए ये जो है इसके नीचे बैठ के शादी होगा, तो इस तरह से सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट किया था। और अभी चलिए हल्दी का रस्म स्टार्ट हो जाएगा और अभी आप लोगों से मैं जाते बातें नहीं कर पाऊँ, तो आप लोग जो है ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। और ये ना एक अलग टाइप का शादी है, तो हम लोगों के यहाँ ये सब रिजल्ट्स नहीं होते हैं, हल्दी होते हैं, बट बाकी का जो रस्म है कुछ अलग टाइप का है। तो बहुत एंजॉय किए थे हम लोग शादी में, तो आप लोग भी ब्लॉग को देखते रहिए, आई होप कि आप लोग भी एंजॉय करें।
हे गाइस, तो दुल्हन का हल्दी का रस्म जो है कंप्लीट हो गया था और एक दो टो जो रिजुअल्स था वो भी हो गया था और अभी शायद 5 बज रहा था और पूरा गांव घूमने के बाद जो है नदी पे आया था नहलाने के लिए और सब ने मिलके इतना ज़्यादा डांस किया। दुल्हन का देखिए अभी भी डांस करने का मन है और ये इतना ज़्यादा डांस किया कि इसका पैर में दर्द हो गया और अभी इसको नदी में नहलाएगा। और हमारे यहाँ जो है ये सब नहीं होता है, तो दूल्हा दुल्हन को नदी या पॉन्ड कहीं पर भी नहीं लेके आते हैं, पानी घर पे ले जाते हैं, उसी पानी से नहाते हैं। बट यहाँ पर जो है कुछ रस्में अलग टाइप का है, तो डायरेक्ट जो है दुल्हन को ही लेके आ गया था। और यहाँ पर ना कुछ रिचुअल्स होगा, ये मतलब पानी में जो है एक स्क्वायर टाइप का बनाएगा और उसके बाद जो है ये चावल वगैरह जो है ना पीछे मतलब पानी में फेंक रहा था। और ये रस्म होने के बाद जो है घर पे ये मतलब खुद पैर में जल के नहीं जाएगा, इसको गोदी में उठा के लेके जाएगा। तो जीजा जी, ये इसका जीजाजी है, वही लेके जाएगा पन गोदी में। देखिए तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब हंस रहे थे कि मत पूछिए। तो अभी घर पे आ गए थे और थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा भी हो गया था और अभी दुल्हन रेडी होगा शादी के लिए और कुछ ज़्यादा रिसेल नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं।